असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर गठबंधन को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि चुनावी हिस्ट्री यही बताती है कि ओवैसी की पार्टी विपक्षी गठबंधन के लिए वोट कटवा साबित होती है। सीधा फायदा बीजेपी को होता है, लेकिन ओवैसी की एंट्री पर टीम एनडीए ने क्या कहा सुनिए। यानी देखिए, उनका तो स्वागत है, AIMIM 11 पे डाले, 40 पे डाले या 543 पे डाले, लेकिन AIMIM का जो असली चाल चेहरा और चरित्र है, और स्पेशली कल जब से CA के रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तब से AIMIM का एक विभत्स, एक भयानक चेहरा हम लोगों के सामने आ रहा है और बिहार के लोगों के सामने भी आ रहा है। देखिए, AIMIM किसके साथ खड़ा है? वो विपक्ष के साथ खड़ा है, सामाजिक न्याय के जो पैरोकारी अपने आप को स्वघोषित सामाजिक न्याय के पैरोकार बोलते हैं, उनके साथ खड़ा है। अब देखना यही होगा कि ओवैसी की एंट्री के बाद इंडिया गठबंधन की नई रणनीति क्या होगी। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, अल्लाह का इंसाफ जरूर होकर रहेगा। तुमने हमारे चार को खरीदा, अल्लाह ने तुम्हारे इख्तदार की कुर्सी से निकाल कर फेंक दिया। और याद रखो, लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर MLA के लाए हो ना, आप जिंदगी में कभी इंशाल्लाह उतना नंबर नहीं लाओगे तुम। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? पूरे देश में भाजपा जो है मार्जिनलाइज कर रही है, टारगेट कर रही है मुस्लिम अकलियत को, उत्तर प्रदेश में भी हर जगह पर, और अकेले कह रहे हैं कि ये असली हिंदुत्व को बचाना है। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है, यहाँ से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है। इसके लड़ने से ऐसा होगा, अरे तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी हार गया, मैं लड़ा था क्या? तुम्हारा राहुल गांधी अमेठी लड़ा था, बल्कि मैंने कहा था आओ प्यारे तुम अमेठी मत लड़ो, अब राहुल गांधी को हैदराबाद से लड़ा लो, जमानत मैं सब कराऊंगा इंशाल्लाह। इतने बिहार क्या दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। तेजस्वी और लालू जिम्मेदार नहीं है बिहार में बीजेपी को लाने के लिए, बताओ आप। अगर हम चुनाव लड़े ओवैसी वोट काट रहा है।